हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई, हमारी टपना दीदी ने जो है ना, देखो, पनोज की सारी पोल खोल दी है। जिस तरीके से वो बार बार जो है ना, उसने पीछे कमेंट के रिप्लाई दिए थे और राखी को लेके भी उसने बोला था, और मैंने वीडियो भी बनाई थी इस चीज़ पे कि जब तक एक बात बताओ, कोई बुलाएगा नहीं, कोई भाई या भाभी नहीं बुलाएगा, ठीक है, तो आप कैसे चले जाओगे उनके घर राखी बांधने, है ना। तो वही बात जो है टपना ने बोली आज कि भाई, वो राखी के लिए मुझे बार बार बोल रही थी कि राखी पे आई नहीं, मैं अपने घर नहीं आई, तो मेरी जो इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी सोशल मीडिया पे, तो मैं कैसे चली जाती। और ऊपर से वो ये भी बोल रही कि मैं अपने घर नहीं गई। तो भाई, क्यों नहीं गई? किसी ने रोका थोड़ी था कि भाई मत जा। एक बात, जब उसने फ़ोन ही नहीं किया आने के लिए, तो उसको पता है कि जब हमने फ़ोन नहीं किया तो वो नहीं आएंगे, तो वो जा सकती थी अपने घर। तो ये फालतू में नाटक करने की क्या ज़रूरत थी उसे। अच्छा, पनोज आंटी ने देखो टपना पे तो सारे इल्ज़ाम लगा दिए, ठीक है, लेकिन अपने पति के बारे में एक चीज़ नहीं बताई, है ना। लोग इतने दिन से कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ है वो, कहाँ है, क्या हुआ, क्यों पुलिस आई थी, लेकिन उसने एक कमेंट का जवाब नहीं दिया। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं कसूरवार तो तुम भी हो, खोट तो तुम्हारे अंदर भी है, पर वही है ना कि अपनी हर कोई छुपाता है, ठीक है, और दूसरे की हर कोई बता देता है। वही बात है कि दूसरे इंसान पे इल्ज़ाम लगाना, उसकी बेइज्जती करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना, तो पता तब लगता है। और देखो, रही पिछली बात, तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था राखी का कि हाँ, टपना गई थी, लेकिन वो क्यों गई थी कि उन्होंने जो है ना, काल ने और पनोज ने जो है ना, बहुत ज़्यादा ड्रामा कर दिया था इस चीज़ का कि वो पैसे वालों के घर जाती है, हमारे घर क्यों आएगी। तो वो एट ए टाइम गई थी वहाँ राखी बांधने, और राखी बांधने गई तो वहाँ पे भी अकड़ में पनोज ने उससे राखी नहीं बंधवाई। तो यार, एक बात बताओ, सबको पता है इस मैटर का कि उसने क्या क्या बोला था भाई ने। इवन उसने अपनी बच्ची तक के लिए बोला कि मैं इसे मिन्नतें करती रहती हूँ तनु से कि आ जा व्लॉग में, लेकिन ये नहीं आती, क्योंकि बच्चे को भी देखो फील होता है ना, वो स्कूल जाती है। सबने वो वीडियो देखी कितनी ज़्यादा वायरल हो गई थी, किस तरीके से, मतलब कोई कोई भाई होगा किस तरीके से अपनी बहन की बेइज्जती करेगा। भी बोला, देखो शुरुआत जो है पनोज ने ही करी थी सारी चीज़ों की, जो ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई इसकी शुरुआत ही उसने करी थी, है ना। वो बार बार बोलती थी कि मैं इसका सच लेके आऊँगी, लेकिन वो कभी लेके नहीं आई, वो सिर्फ बोलती ही थी मैं जाऊँगी गाँव में, मैं आपको मिलवाऊँगी, मैं कैमरे पे लेके आऊँगी, लेकिन उसने ऐसा कभी किया नहीं। सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, पब्लिक को पागल बनाना, धमकी देना, वो सिर्फ इतना ही काम करती रही। उसके बाद देखो टपना ने बोला भी है, कहीं ना कहीं अपने भाई की गलती ना करते हुए उसने जो है इल्ज़ाम जो है देखो अपनी भाभी पे लगाया है कि ये जब उनके कान भरेंगी, चाहे ये हो चाहे घायल हो, ठीक है, ये दोनों ही ऐसी हैं, दोनों की दोनों, कि जब कोई भी औरत है यार अपने पति के कान भरेंगी उसकी माँ बाप या फिर उसके भाई बहनों के खिलाफ, तो वो तो देखो बोलेगा ही एक बारी। आप एक बार बोलोगे वो नहीं बोलेगा, 10 बार, 100 बार, बार बार एक ही बात दोहराते जाओगे, तो फिर उसके मन में भी देखो गुस्सा आएगा, ठीक है, जबकि उसको दोनों साइड की बात नहीं पता थी। एक चीज़ नोट कर लेना कि जब भी इनके व्यूज़ नहीं आ रहे होते ना, चाहे टपना हो चाहे फिर वो पनोज हो, तो वो यही बातें लेके बैठ जाती हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को खींचातानी करती हुई नज़र आएंगी। पहले वो बोलेगी, फिर वो बोलेगी, तो बस यही इनका सिलसिला है कि ये चलता रहता है। कि आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कौन ठीक लग रहा है, कि वो पनोज ठीक है या फिर हमारी टपना ठीक है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय।